आज मैं आपके साथ सूजी की बर्फी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सूजी की बर्फी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे आप बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। सूजी की बर्फी बनाने के लिए कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच देसी घी। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो इसमें मैं 2 कटोरी सूजी डाल दूंगी और इसे हम लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। इसे आपको हाई फ्लेम पर नहीं रोस्ट करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे रोस्ट करोगे तो ये जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। और आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर है वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे रोस्ट करने के लिए हमें लगभग 10 मिनट का समय लगा है। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ 1 चम्मच इलायची का पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कटोरी नारियल का बुरादा, 1 कटोरी चीनी और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से कौन सा भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक कट किया हुआ बादाम, बारीक कट किया हुआ काजू और कुछ किशमिश लिया है और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करके लेते हैं। फिर मैं इसमें डाल देती हूँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध। दूध को मैंने पहले बॉईल कर लिया है और बाद में मैंने इसे ठंडा करके लिया है और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करके लेते हैं। आज मैं बर्फी को परात में सेट करने वाली हूँ। अगर आपके पास सेट करने के लिए कोई ट्रे है या तो थाली है, आप उसमें भी बर्फी को सेट कर सकते हैं। फिर इसे हम घी से ग्रीस करके लेते हैं। ग्रीस करने से बर्फी जो है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। घी से मैंने ग्रीस कर लिया है तो अभी मैं बर्फी सेट करके लेती हूँ और इसे आपको स्पैचुला की हेल्प से या तो कलछी की हेल्प से अच्छी तरीके से सेट करके लेना है। फिर मैं ऊपर से डाल दूंगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने बारीक कट किया हुआ बादाम, बारीक कट किया हुआ काजू और कुछ किशमिश लिया है। बर्फी को आप कौन से भी डिजाइन में कट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले निशान लगा लेती हूँ। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है और बर्फी जो है वो 1-2 घंटे में अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।